जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग इस पंडाल में सुन रहे हैं और इस पंडाल के बाहर, सात स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, सात स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। सात स्थान, और वो सात स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कन कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। सात स्थान चंदन के बताएं मारो, पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवा चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन, आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को सात स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहां पर वर्णन कर रही है मैना, धन्या और कला की कथा कह रही है, तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा, चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का। तो आप लोग जो पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई भी उपास करते हो, कई लोग कहते हैं हमने करा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसमें हमारी गलतियों को हमें छाए, ये देखिए अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं, जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री फूल पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की तीन उंगलियों से रेखा तीन खींचकर, और फिर जो माला आदि का अधिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, एक लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार
भगवान का कर कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा। राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। रामचरित सुनिए, कथा रामायण सुनिए, आप लोगों ने रामायण सुनी होगी, तो उसमें माता बैठी है शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, एक कौवा आता है वो चोंच मार कर जाता है, ये सारा वृतांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं, केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती है। शिव का श्रृंगार किस लिए, क्यों? कहा जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा। जो पढ़ाओ, जो पढ़ाओ, चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। लेकर आइए कि मेरा यह कार्य है बाबा, और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। और शिव महापुराण की यही सबसे बड़ी आनंदता कि आपको आग लगे बस्ती में और अपन रहो, अपने मस्त रहिए। जो ज्यादा गाली दे, ताना दे, अपशब्द बोले, जो तुमको ताने पर ताना दे, तुम और जोरदार खजूर वाली चोटी बना और ऐसा बक्तल लगाओ ऐसा वाला, और फिर निकलो, जा बोलते रहे बोले तो। अपन तो अपनी भक्ति करो, शंकर के भजन में डूबे रहो, राम नाम कृष्ण नाम में डूबो, अपने क्या करना। महाराज, राम की दृष्टि में शंकर बड़े हैं, शंकर की दृष्टि में राम बड़े हैं, कृष्ण की दृष्टि में शिव बड़े हैं, शिव की दृष्टि में कृष्ण बड़े हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मुझसे बड़ा मेरा भक्त होता है, भक्त मुझसे बड़ा है। तो जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसको बड़ा समझ लेते हैं। फिर वो कैसा भी भक्त हो, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था, ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे और एक क्षण की कथा उसके कानों में पड़ गई और वहां से वो चल दिया। अब जो ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे उनको क्या मालूम था कि चोर है, वो तो भक्त समझ रहे थे। उनको नहीं मालूम कि ये चोर है, उनको तो भक्त समझ रहे। जैसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया पानी हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है, शिव जी को चढ़ाया गया पानी 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह भगवान देव अधिदेव महादेव महादेव को समर्पित करा गया एक बेलपत्र 3 लोक के हमारे संपूर्ण देवी देवता जो भी विराजमान है उन सबको प्राप्त हो जाता। जल की बड़ी महत्वता है कि जल शिवजी को जब चढ़ाया जाता है, जल जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, तो उसकी कितनी कितनी महत्वता होती है, उसकी कितनी मूलता है। दुनिया के लोग भले ना समझे, पर उसमें पहले का नियम है हमारा, पहले जो भोजन होता था, भोजन बनता था, उसमें आंवले की खटास डाली जाती थी। आज के जमाने में तो लोग टाटरी डाल दें, नींबू डाल दें, ये सब बात की बात है। आंवला इसलिए डालते थे क्योंकि हड्डियां मजबूत रहती थी,
अब आज के समय में तो कहाँ लोग बस वो च्यवनप्राश मिल जाए आंवले का तो खा लेवे, पर नियम अगर माताएं बनाए कि आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष से आंवले लेकर आवे, आंवला नवमी के समय पर बहुत आंवले आते हैं तो उसके बाद में उसके पहले कभी भी ले आओ, और आंवले के आंवले इकट्ठे कर वही जब दाल सब्जी भाजी बनाओ उसमें पटक दो थोड़ा सा एक आध आंवला, तो उसका जो रस तत्व है शरीर की हड्डियों के लिए अच्छा। तो हमारे यहाँ बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, इन तीनों जगह पर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी महत्वता भी हमारे यहाँ दर्शाई गई।